हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और आप सभी का स्वागत है दीप्ति राज फूड्स किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं टेस्टी नमक, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया हुआ है और पैन में मैं 2 बड़ी चम्मच साबुत धनिया इस्तेमाल कर रही हूं। सबसे पहले हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे और साथ में ही मैं इसमें ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सौंफ, फेनल सीड्स है ये, और 1.5 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे ये रेड चिली, 12 से 15 रेड चिली है। इन सभी को हमें मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट कर लेना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि स्पाइसेस जो है वो हमारे ज्यादा रोस्ट ना हो, चले नहीं। मसालों को रोस्ट करने से इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, प्लस एक इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी, फ्लेवर जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है इससे रोस्ट करने से। मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर ऑफ कर दे रही हूँ। 1 से 2 मिनट में मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। इसे हम कंप्लीट ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। रोस्टेड मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। अब हम इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, इसको मैंने इतना मोटा मोटा सा रखा हुआ है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी हम डालेंगे। इसको हम साइड से रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्च और साथ में ही इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज लहसुन वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डाल दे रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून के करीब, यहाँ पर मैं हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और साथ में ही मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राई मैंगो पाउडर है ये। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ हरा धनिया पत्ता, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीसने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही हमें डालना है और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी मिर्च और लहसुन और धनिया पिस गई है, इसको मैंने इतना मोटा मोटा सा पीस लिया हुआ है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो बाकी की चीज़ों में मैं यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 कटोरी के करीब ये ब्लैक सॉल्ट है, और बचा हुआ जो व्हाइट सॉल्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक साथ मिक्स कर देना है और जो हमने रोस्टेड मसाले पीसे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और एक बार इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करने के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अच्छा सा सॉल्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। टेस्टी सॉल्ट बनकर तैयार हो गया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं कचौड़ी मसाले में, पूड़ी पराठे के साथ, फ्रूट सैलड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अमरूद या फ्रूट्स जब आप खाते हैं उस टाइम भी आप इसे यूज़ करके खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रख लीजिए, 5 से 6 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने इसमें हरी मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल किया हुआ है और हरी मिर्च और लहसुन को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट जो है वो प्रिजर्व का काम करता है, तो काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होगा और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।